तो प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फाइनली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से सीयूईटी यूजी के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, सीयूईटी यूजी के जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपको जो कैसे रजिस्टर करना है यूजी वाले बच्चों के लिए, और जिन भी बच्चों के लो मार्क्स है अभी तक उन्होंने अगर हमारा सीयूईटी एडमिट प्लान ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से जाके ज्वाइन कर लो। काफी लो मार्क्स तक हम आपका टिल स्पोर्ट राउंड तक काफी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। इंडिया में सबसे कम प्राइस पे ओनली फॉर 1499 रुपए में आपको सीयूईटी का एडमिशन कराते हैं। तो सारे के सारे बच्चे जरूर से जाके एनरोल करेंगे। अब अपन देखते हैं यार कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जीरो से लेके एंड तक फुल आपका टिल जस्ट लाइक पेमेंट तक आपका फॉर्म भरेंगे। तो चलो गाइस फॉर्म भरते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ओके, ठीक है। तो मैं पहले पूरा फॉर्म भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ। गाइस ये लोग जो है डेटा सारा का सारा आपसे ले रहे हैं, हालांकि इसे शो होता है कि अभी तक इनको एनटीए ने कोई भी डिटेल नहीं दी है। तो इंडिविजुअल जो है हमसे ये सारा का सारा डेटा ले रहे हैं कि आपने कौन से कोर्स में अप्लाई किया था, आपने एक कोर्स में अप्लाई किया था कि नहीं किया था, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एनटीए की तरफ से इनको अभी पोर्टल नहीं मिला है। तो आप सभी को क्या करना है, अपना जो भी है इंडिविजुअल सारी डिटेल ठीक से फिल करनी है, ठीक है। फिर ये लोग डॉक्यूमेंट लेंगे हमारे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे, तो उसके बाद जो है हमारा एडमिशन किया जाएगा। जैसे देख सकते हो नॉर्मलाइज स्कोर 250। अब सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है यार, यहाँ पे भी हमको यहाँ पर कौन सा स्कोर डालना है, क्या हमको नॉर्मलाइज स्कोर डालना है या फिर हमको वो वाला स्कोर डालना है, ठीक है। देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये स्कोर डाला, तो इसने क्या किया, इसने किया इसको नॉर्मलाइज किया है, टोटल एंड के नॉर्मलाइज स्कोर, राइट। इसने कैसे किया होगा, 70, 80, 100, 180, 250, ठीक है। तो मैंने कब पास किया था भाई, 18 में किया था, मैंने किया था 2018 स्कीम वाला जो लिंक है उसको दिया है,
आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यार उस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, किस प्रकार से ये लोग जो है हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं और इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने सिर्फ एक कोर्स सेलेक्ट किया 250 रुपए ले रहा है, अगर मैं दूसरा कोर्स भी सेलेक्ट करूंगा फिर से 250 250 250, जैसे मान लो 4 कोर्स है तो 4 के 250 से आप देख लो 1000 रुपए ले रहा है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 10 कोर्स है उसके बाद तो टोटल 10000 रुपए ले रहा है, तो यार काफी ज्यादा गलत है राइट। तो आप लोगों को हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, आप भी प्लीज यार हमारा सपोर्ट कीजिए इसके अंदर, ठीक है, हम सिर्फ आपके लिए ही कर रहे हैं सपोर्ट। एक समस्या बनता जा रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों द्वारा आयोजित की जाने वाली सीयूईटी एग्जामिनेशन बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट को बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ी थी एडमिशन के टाइम पे, रिजल्ट के टाइम पे। अभी स्टार्ट होता है प्रोसेस काउंसलिंग का, उसके साथ ही कुछ यूनिवर्सिटियां स्टार्ट कर देती है अपना कार्यक्रम जिसको हम स्कैम बोलते हैं जनरल भाषा के अंदर। क्या सारा सीन है और कैसे स्टूडेंट के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, ये कहानी शुरू होती है मार्च 26 2022 से, जब यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने डिसाइड करती है वन नेशन वन इंडिया एग्जामिनेशन, जिसके अंदर सीयूईटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया के 100+ कॉलेज है, जिसके अंदर इंडिया के टॉप रेपुटेटेड कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, जामिया, 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 33+ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज एंड 40+ प्राइवेट कॉलेजेस पार्टिसिपेट करती है। यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाती है टिल अगस्त तक, 30 अगस्त को एग्जामिनेशन कंप्लीट होती है, उसके बाद स्टार्ट होती है काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर ऐसा होता है टोटल इंडिया के अंदर 100 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करती है, हर कॉलेज बच्चों से चार्जेस लेना शुरू कर देती है, कोई कॉलेज 100 रुपए चार्ज कर रहा है, कोई 500 रुपए चार्ज कर रहा है, कोई 1000 रुपए चार्ज कर रहा है। हालांकि 1000 रुपए तक ठीक है, अगर अपन कुछ यूनिवर्सिटियों की बात करें स्पेशली फॉर UG एंड PG प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी अपने प्रोग्राम के अंदर ये डिक्लेयर करते हैं कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाला बच्चा 1000 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन उसके बाद जब बच्चा रजिस्टर करता है एक कोर्स के लिए अप्लाई करता है यूनिवर्सिटी 1000 रुपए लेती है, दूसरे कोर्स के लिए, तीसरे कोर्स के लिए, जैसे ही